आइए सीखते हैं हम एक ट्यूलिप टॉप डिज़ाइन कुर्ती। इसमें जो हमने ऊपर का पार्ट बनाया है वो ट्यूलिप पैटर्न में इसकी कटिंग की है और इसमें हमने बेल स्लीव्स बनाए हैं। इसमें हमने टोटल 4.5 मीटर कपड़ा लिया है। यह मेरे पास एक शलवार कुर्ते का कपड़ा था, उससे दोनों को मिलाकर मैंने यह कुर्ती बनाई है। लॉन्ग कुर्ती बोल सकते हैं आप इसे, गाउन बोल सकते हैं लॉन्ग। और इसमें हमने टसल भी लगाए हैं। और इसमें जो हमने लाइनिंग का कपड़ा, अस्तर का कपड़ा इस्तेमाल किया है वह 80 सेंटीमीटर के बराबर हमने उसे इस्तेमाल किया है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगी। तो आइए सीखते हैं हम ट्यूलिप डिज़ाइन कुर्ती। तो इस लॉन्ग कुर्ती को बनाने के लिए मेरे पास यह 2.5 मीटर कपड़ा है और इस कपड़े की विड्थ 42 इंच है, इस कपड़े की चौड़ाई 42 इंच है और यह मेरे पास 2.25 मीटर कपड़ा है, 2.25 मीटर कपड़ा होता है ये। और इस कपड़े की विड्थ 42 इंच है, इसका जो पन्ना है वह भी 42 इंच है। तो हम इसमें इस कपड़े से अस्तर यानी लाइनिंग भी लगाएंगे। तो हम ये नीचे वाला पोर्शन रखेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस कपड़े को सब तरफ से बराबर करके और हम इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। ये मेरे पास एक सूट का फैब्रिक है। अब हम अपनी चोली लंबाई, चोली लंबाई हमारी 17 इंच, तो हम यहाँ से 16 इंच छोड़कर अपनी कुर्ती की लंबाई ले लेंगे। तो हमारी कुर्ती की लंबाई 16 इंच है और यह हमारी बिल्कुल 60 इंच ही हमारी लंबाई है। तो हम इसको एज इट इज रख लेंगे। यह हमारी जुड़ी हुई साइड है, यह भी जुड़ी हुई साइड है और यह हमारी खुली हुई साइड है। तो अब हम यहाँ से इसको ए शेप में कट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से लेंगे अपनी कमर गोलाई का 1/4 + 2 इंच, कमर यानी वेस्ट राउंड। तो हम इसका, हमारे पास कमर गोलाई 42 इंच है, 42 इंच है, तो हम उसका 1/4 करेंगे। तो 42 इंच टेप को डबल फोल्ड करेंगे और फिर 4 फोल्ड कर लेंगे। तो हम इस तरह से 10.5 इंच हमारा 42 का 1/4 आएगा। इसमें हम +2 करेंगे, 12.5 इंच हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। हमारी कमर गुलाई 42 इंच है, उसका चौथा हिस्सा करेंगे 10.5 आएगा और उसमें +2 करेंगे 12.5 हो जाएगा। हम यहाँ से 12.5 ले लेंगे और इसको हम यहाँ पर एकदम कॉर्नर पर ऐसे स्लांट मिला लेंगे। ये हमारा नीचे का घेरा ए शेप में कट हो जाएगा। अब हम इस लाइनिंग के कपड़े से अपनी चोली की कटिंग करेंगे। पहले हम इस लाइनिंग से करेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर अपने इस वाले कपड़े से चोली की कटिंग करेंगे। तो हमारी चोली लंबाई 17 है, 17 इंच है, तो हम उसमें 1 इंच और प्लस कर लेंगे तो हम 18 इंच ले लेंगे, 18 इंच हम उसे रख लेंगे। तो हम यहाँ से 18 लेंगे, 18 इंच लेंगे और इस कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे, कपड़े को ऐसे 4 बार फोल्ड कर अपने चोली की कटिंग कर लेंगे। अब हम अपनी चोली की चौड़ाई निकालेंगे। चोली की चौड़ाई निकालने का तरीका हमारा रहेगा सीने का चौथा +2 इंच, सीने का 1/4 + 2 इंच। सीने का नाप हमारे पास है 45 इंच, 45 इंच, तो हम ये 45 इंच टेप को डबल फोल्ड करेंगे और 4 फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमारा चौथा हिस्सा आ जाएगा 11.5 इंच, 11.25 इंच आएगा। तो इसमें हम +2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 13.25। सीने का चौथा हिस्सा करेंगे हम, सीना हमारे पास 45 इंच है, उसका चौथा करेंगे तो 11.5 आएगा और उसमें +2 करेंगे तो 13.5 इंच हो जाएगा। अब हम यहाँ से कपड़े को डबल कर देंगे, ये हमारी जुड़ी हुई साइड है। अब हम यहाँ लेंगे तख्ती का हाफ, तख्ती हमारी 15 इंच है, 15 इंच हमारी तख्ती है, उसका आधा हम ले लेंगे तो 7.5 इंच आएगा। तख्ती यानी फ्रंट शोल्डर, इसका नाप से आपका गले वगैरह बिल्कुल नहीं गिरता है। और इसके नाप को लेने के लिए आप मेरा मेजरमेंट वाला वीडियो देख सकते हैं। आर्म होल मेरा सभी एक्सल साइज, डबल एक्सल साइज के लिए 8 इंच है, तो मैं इसमें 8 इंच रख लूँगी। आप चाहें तो थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा ये सीने का चौथा +2 इंच है ही, हम इसको एज इट इज़ यहाँ मिला लेंगे, इसको ऐसे के ऐसे हम यहाँ मिला लेंगे। 1 इंच हम इस लाइन से बाहर की तरफ लेंगे और उसको यहाँ तिरछा मिला लेंगे। अब हम लेंगे
इस कॉर्नर से 1.5 इंच और उसके बाद 1 इंच बाहर की तरफ, यहाँ से भी हम 1 इंच लेंगे और उसको हम अंदर वाले निशान पर होते हुए अंदर वाली लाइन पर मिल जाएंगे और इस वाले निशान से होते हुए हमें ये बाहर वाली लाइन पर मिलेंगे। ये हमारे अंदर बाहर के आर्म होल हो जाएंगे। अब हम इसमें गले की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा रखेंगे क्योंकि हम थोड़ा सा बॉट शेप दे रहे हैं, फुल बॉट शेप हम नहीं बना रहे, थोड़ा सा बना रहे हैं, तो हम इसे 3.25 इंच रखेंगे, 3.25 रखेंगे और यहाँ से हम नेक की लेंथ 6.5 रखेंगे, 6.5 इंच रखेंगे। पीछे का नेक हम इससे 2 इंच छोटा रखेंगे और बिल्कुल इसी तरह से हम उसे कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हम छोटे छोटे टक्स देंगे तो हम इसकी कमर का कोई निशान नहीं लगाएंगे। टक्स की लंबाई हम एक्सेल साइज बना रहे हैं तो हम यहाँ से 14 इंच पे लेंगे और चौड़ाई हमारी 4 इंच डिस्टेंस पे रहेगी। आगे के टक्स हमारे 14 पे आएंगे और पीछे के टक्स हमारे 12 इंच से हो जाएंगे। यहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और हम यहाँ से 1/2 इंच का शेप देंगे और हम कर्व स्केल से ये निशान लगा देंगे तो हमारे टक्स का शेप ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब हम ये बाहर वाले नेक की और ये बाहर वाले आर्म होल की और ऐसे कटिंग कर लेंगे। अब हम एक पार्ट को हटा के आगे वाले नेक की और इसकी कटिंग कर लेंगे आर्म होल की। इस तरह से हमारी चोली की कटिंग होती है। अब हम ये प्रिंटेड वाला फैब्रिक लेंगे और इसको हम ऐसे डबल फोल्ड कर रख लेंगे और इसके ऊपर हम अपनी चोली का ये फ्रंट वाला हिस्सा रखेंगे। इसको हम यहाँ से 6 से 7 इंच लंबा रखेंगे। यह सभी में आपको करना होगा, कोई भी आपका साइज है, पर आपको 6 से 7 इंच इसको आगे से लंबा रखना होगा। और अब हम इसके बराबर बराबर इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसमें एक सेंटर का निशान लगा लेंगे। आप चाहें तो छोटा सा कट लगा दीजिए और फिर हम इसे खोल लेंगे। और हम कर्व स्केल से इस जगह से इसको ऐसे मिला लेंगे और इसकी ऐसे कटिंग भी कर लेंगे। यहाँ से आप 4-5 इंच नीचे की तरफ लीजिए और फिर आप इस कर्व स्केल से इसको मिलाएं और इसका आप निशान लगाकर कटिंग कर लीजिए। अब हम इस पार्ट में से 2 पीस और ऐसे निकालेंगे। हम आगे पीछे दोनों तरफ ये फैब्रिक लगाएंगे तो अब हम ये साइड से हम इसकी कटिंग करेंगे। आपका एक शोल्डर पे कपड़ा बराबर आ जाना चाहिए, एक शोल्डर पे आपका कपड़ा कम रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। उसकी वजह यह है कि ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगी तो वह अंदर की तरफ आपका चला जाएगा, तो हम इसकी ऐसे कटिंग कर लेंगे। तो आप चाहें तो बीच में से पकड़कर इसको डबल फोल्ड कर लीजिए और उसके ऊपर हम चोली का पिछला हिस्सा और नीचे से 6 से 7 इंच लंबा रखकर इसकी बराबर इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसका भी सेंटर निकाल लेंगे कट लगाकर और इस कपड़े को बीच में से हम कट कर लेंगे। अब हमारा ये ऊपर वाला आर्म होल होगा दिखाई देने वाला और यह हमारा ओवरलैप वाला आर्म होल होगा इस तरह से। अब हम इस वाले की इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो हम इस वाले की इस तरह से कटिंग करेंगे तो इस वाले पोर्शन को हम ये जो हमने कट लगाया है यहाँ पर ऐसे रख कर इसी के अकॉर्डिंग इसका शेप दे लेंगे।
अब हमारा ये डिज़ाइन इस तरह से होगा, ये दो वाले पोर्शन इस तरफ आएंगे और ये दो वाले पोर्शन इस तरफ आएंगे और ये ओवरलैप हो जाएगा इस तरह से, बीच में से एक कप का शेप रहेगा। हम इनको और थोड़ा थोड़ा इक्वल डिस्टेंस में कट कर सकते हैं हमें अपने क्रॉस को अच्छा दिखाने के लिए। इधर वाले को भी हम इसी के बराबर कट कर लेंगे। अब हमारी चोटी का शेप ये देखिए, ये हमारे इसमें छुप जाएंगे और ये हमारा इस तरफ आ जाएगा और ये हमारा बीच में से चोली का पार्ट इस तरह से रहेगा। हम दो पीस हटा लेंगे, एक पीस इसमें से लेंगे और एक पीस इसमें से लेंगे और चोली के फ्रंट वाले पार्ट के साथ इन्हें हम जॉइंट कर लेंगे। ये हमारी चोली का फ्रंट पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम अंदर रखेंगे क्योंकि ये हमने कटिंग करते वक्त हमारा ये थोड़ा यहाँ से कम कटा था तो हम यहाँ पर ऐसे रख लेंगे। फिर हम इस पार्ट को इसके ऊपर रखकर जॉइंट करेंगे तो ये देखिए हमारा यहाँ वाला शेप इस तरह से होगा। दोनों पीछे वाले पोर्शन में भी हम इसी तरह से दोनों पीस को लगा लेंगे। अब हम इसमें से अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अब हमारे पास कुछ कपड़ा इस तरह से बचा है कि हमारी स्लीव्स में फ्रंट में ऐसे जॉइंट आएगा और फिर ये हम इसकी स्लीव्स बना लेंगे तो हम थोड़ी सी बेल टाइप स्लीव्स बनाएंगे। हम यहाँ से कपड़े को बराबर कर लेंगे और इसकी कटिंग भी कर लेंगे और हम स्लीव्स के बीच में जॉइंट लगाकर बेल स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग का तरीका हमारा रहेगा सीने का चौथा हिस्सा, सीने का नाप हमारा है 45 तो उसका चौथा आया था, उसका 1/4 आया था 11.25 11.5 सीने का नाप हमारे पास 45 इंच है, उसका चौथा हिस्सा आया था 11.5 इंच। यहाँ से मेरा स्टैंडर्ड साइज 3.5 इंच है, डीप कटिंग का वही रखूंगी। यहाँ से हम अंदर की तरफ 1 इंच लेंगे, यहाँ से हम 1 इंच ऊपर की तरफ लेंगे और हम इस कर्व स्केल से यहाँ 1 इंच से यहाँ 1 इंच पर मिला लेंगे और फिर हम ये जो हमारा मार्क है इस पर हम इसके नीचे 1 इंच ले लेंगे और कर्व स्केल से इस 1 इंच से यहाँ पर ऐसे रखेंगे और यहाँ पर हम अपोजिट रखकर इस 1 इंच के निशान पर ऐसे मिला लेंगे। और स्लीव्स की कटिंग के लिए आप मेरे वीडियो देख सकते हैं ड्राफ्टिंग कटिंग स्लीव्स विद कर्व स्केल और एक और हाउ टू कट कुर्ता स्लीव्स वाला वीडियो है, उसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से स्लीव्स की कटिंग करने का तरीका बताया है। यहाँ से हम 2 इंच लेंगे और हम ये जो नीचे की चौड़ाई है इसको हम सारी रख लेंगे क्योंकि हम हल्की से इसको बेल शेप दे रहे हैं तो यहाँ से हम इसको ऐसे स्लांट मिला लेंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारी स्लीव्स की कटिंग होती है। अब हम सबसे पहले ये जो हमारे लाइनिंग वाली चोली है इसको हम इस घेरे के साथ जॉइंट कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमें जॉइंट करना है, सादी सी सिलाई लगाना है। ये हमारी चोली का फ्रंट पार्ट है और ये हमारा घेरा है नीचे का, इसको हमें यहाँ पर जॉइंट कर लेना है। पहले हम टक्स भर लेंगे उसके बाद हम इसे जॉइंट कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें ये वाले पैटर्न को ऐड करेंगे। दोनों वालों को आगे पीछे दोनों चोली के पार्ट के साथ दोनों घेर को जॉइंट कर लिया। अब हमने ये चोली को घेर के साथ जॉइंट कर लिया है, इसमें हमने प्लेट्स दिए हैं और यहाँ पर हमने सिर्फ ऐसे ही शल दिए हैं, वो सिर्फ हमारी टमी पे कंफर्टेबल रहे इसलिए हमने ऐसा किया। हमने दोनों घेरों को जॉइंट कर लिया है और हमने जो ये ट्यूलिप टॉप जैसे पीसेस की कटिंग की थी इनमें ये हमने यहाँ पर ऊपर हमारा कम पड़ रहा था तो जॉइंट लगा लिया है। अब हम इन्हें ये जो गोलाई है इसको फोल्ड करेंगे। अब हम इसको ट्यूलिप जो डिज़ाइन कटिंग की थी हमने इसको फोल्ड करेंगे। इसको फोल्ड करने के लिए हम सबसे पहले इसको बस ऐसे ही एक बार सिंगल फोल्ड कर लेंगे। आप इसको जरूर ख्याल रखें कि आप इसको पकड़ कर खींचिए मत, बस आप इसको ऐसे फिंगर रखते जाएं और फोल्ड करते जाएं, बिल्कुल खींचिए मत, इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें।
देखिए आप अपना हाथ इस तरह से रखिए या पकड़ लीजिए, पर इसको इस तरह से फोल्ड कीजिए, सिर्फ एक उंगली से आप इसे फोल्ड कीजिए, आप इसको पकड़ के बिल्कुल खींचिए मत। अब हम इसे दोबारा फोल्ड कर लेंगे क्योंकि हमने एक सिलाई लगा ली अब इससे, तो ये आसानी से फोल्ड हो जाएगा। इसको भी फिर आप यही टेक्निक लगाइए कि बस इसको फिंगर से फोल्ड करिए, इसको ऐसे पकड़ कर खींचिए बिल्कुल मत। और मशीन आप थोड़ी धीरे चलाइए क्योंकि आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हमारी जो ट्यूलिप जैसी डिजाइन है इसको हम इसी तरह से चारों को फोल्ड कर लेंगे। अब हमने यहाँ से ये ट्यूलिप पैटर्न को फोल्ड कर लिया है और अब हमने इसको एक दूसरे के ऊपर रख कर, ये देखिए ये हमारा एक पोर्शन है, इसके ऊपर ये देखिए ये वाला साइड इसका ये जा रहा है, तो इस वाले का हमारा अपोजिट जाना चाहिए, तभी वह ट्यूलिप डिज़ाइन कहलाएगी। उसके बाद हम इनको यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर नेक को रखेंगे और यहाँ सिलाई लगा लेंगे। पहले हम आपस में इन पीसेस को जॉइंट कर लेंगे आगे और पीछे दोनों वालों को, उसके बाद हम इन्हें गाउन की चोली के साथ जॉइन करेंगे। हम यहाँ आर्म और की साइड से भी इसको जॉइंट कर लेंगे। इस तरफ भी हम ऐसा ही करेंगे, हम यहां से इसको जॉइंट करना शुरू करेंगे। अब इसी तरीके से हम पीछे वाले हिस्से को भी जॉइंट कर लेंगे। अब हम ये ट्यूलिप टॉप को सीधा रखेंगे और इसके ऊपर हम अपने ये गाउन के कपड़े को भी सीधा रखेंगे और यहाँ नेक पर सिलाई लगा लेंगे। इसमें हम सिलाई के पास तक कट लगा लेंगे और इस डिजाइन को हम इस तरफ आगे की तरफ ले आएंगे। ये देखिए ऐसा ही हम पीछे वाले नेक को भी तैयार कर लेंगे। अब हमने ये पीछे वाले नेक को भी सिलाई लगा ली है, अब हम इसके साथ आगे वाले नेक के शोल्डर भी जॉइंट कर लेंगे, उसके बाद हम इसे सीधा करेंगे। तो हम इसको इस तरह से रखेंगे, ये हमारा उल्टा है और ये हमने सीधा कर लिया है नेक को, और हम इस पार्ट को हटा लेंगे और यहाँ पर ये मेन फैब्रिक से मेन फैब्रिक मिले और अस्तर से अस्तर मिले और हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर आप डबल सिलाई लगा लीजिए और दूसरा शोल्डर भी हम इसी तरह से जॉइंट कर लेंगे। अब हमारे कंधे जुड़कर इस तरह से होंगे, ये देखिए इसकी वजह से ये एकदम इधर पीछे की तरफ फिनिशिंग से आ जाता है। अब हम ये हमने सिलाई लगाई तो इसको हम खोल कर थोड़ा सा ये जो हमारा कंधा है यहाँ पर हम कट लगा देंगे। इसका वजह ये है इससे हमारा गला यहाँ से फैल जाएगा तो यहाँ पे हमारा कंधा खिंचा खिंचा नहीं रहेगा। कई बार हमारा पीछे से शोल्डर खिंचा होता है तो हम अंदर की तरफ जो शोल्डर की सिलाई लगाई यहाँ पर एक और एक इस तरफ यहाँ पर भी हम स्लीव ज्वाइन करेंगे तो ये थोड़ा फैल जाएगा। दोनों तरफ आप ऐसा कर लीजिए, ये एक छोटे से टिप है आपके लिए जो आपके काफी फायदेमंद होंगे। अब हम इसको हर तरफ से बराबर से फैला लेंगे, ये हमने आपस में जॉइंट कर लिए और इस तरफ भी हम इसको ऐसे ही फैला लेंगे। अब जो इसमें हमारे कुछ शल से हो रहे हैं तो हम इनको एक बाहर की तरफ निकालेंगे। यहाँ पर हमारा एकदम बिना शल वाला होना चाहिए। हम इस तरह से कर यहाँ पर पिन लगा लेंगे ताकि ये कपड़ा यहीं पर सेट हो जाए। उसका वजह मैं आपको बताती हूँ। अब हम इसे इस तरफ टर्न करेंगे और जो ये एक्स्ट्रा है और इसको इसी शेप में कट करेंगे। ये हमारी चोली जैसे आ रही है और जैसे हमारा घेर आ रहा है उसी शेप में हमें इसे कट करना होगा। यहाँ से भी हमें लाइनिंग के बराबर इस फैब्रिक को कट करना होगा। ऐसे ही हम ये साइड भी कर लेंगे। हमें हर तरफ से लाइनिंग के कपड़े के बराबर इसको कट करना है। इसके बाद हम इसमें स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे साइड में पूरे इसके साथ और इधर से भी हम इस तरफ सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद हम इसमें स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे। सिंपल तरीके से हमें स्लीव्स जॉइंट करना है।
अब हमने ये दोनों स्लीव्स को जॉइंट कर लिया है। अब हम इसको फिटिंग देंगे। तो फिटिंग देने के लिए हम इसको उल्टा फोल्ड कर लेंगे। पहले लंबाई में डबल फोल्ड कीजिए और फिर चार फोल्ड कर लीजिए। आर्म होल के जस्ट नीचे हम लगाएंगे सीने के नाप का निशान। तो सीने का नाप हमारा 45 है, तो हम इंची टेप को ऐसे 45 पकड़ेंगे और उसको चार फोल्ड कर लेंगे, तो हमारा चौथा हिस्सा निकल आएगा। तो हमारा चौथा हिस्सा आता है 11.5 इंच, 11.25। तो हम इसमें प्लस आधा इंच कर लेंगे, तो हम इसमें आ जाएगा हमारा 12.5 इंच, 11.75 इंच। तो हम यहाँ पर 12.5 ले लेंगे। और आप अगर इसको थोड़ा लूज रेडीमेड स्टाइल में बनाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा और प्लस कर सकते हैं। आप 12.5 की बजाय आप 12 इंच भी ले सकते हैं। और ये हमारी चोली है, यहाँ पर हम लेंगे कमर गुलाई का 1/4 प्लस 0.25 इंच, कमर गुलाई का चौथा हिस्सा प्लस 0.25 इंच लेंगे और कमर गुलाई का 1/4 प्लस 0.75 लेंगे। तो हम यहाँ पर हमारी कमर गुलाई 42 इंच है, 42 इंच है, तो उसका 1/4 करेंगे तो 10.5 आएगा और उसमें प्लस 0.5 इंच करेंगे तो 11.5 इंच हो जाएगा। तो हम यहाँ से 11.5 इंच ले लेंगे। और अब हम इसे कर्व स्केल से मिला लेंगे। हमेशा आप कर्व स्केल से मिलाइए, उससे आपका कुर्ता बस्ट एरिया पे इस जगह पर टाइट नहीं होगा। और उसके बाद हम यहाँ से पूरा नीचे तक इसको ऐसे स्लांट मिला लेंगे। और अब हम इस जगह पर यहाँ से हमें बेल स्लीव टाइप शेप दे रहे हैं, तो इसको एज इट इज लूज रखेंगे। और इस जगह पर भी हम इस कर्व स्केल का इस्तेमाल करेंगे, उससे एक अच्छा शेप आएगा। तो आप कर्व स्केल से इस जगह से इस तरफ ऐसे यहाँ कम रखिए और यहाँ आप ये जो हमारा निशान है इससे मिला लीजिए, तो इससे आपका शेप आ जाएगा। और इसी मेथड से हम वो साइड भी फिटिंग के निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम नीचे से फोल्ड कर लेंगे। नीचे से फोल्ड करने का हमारा तरीका बिल्कुल नॉर्मल सिलाई की तरह रहेगा। आप इसको जितना आपको लंबाई रखनी उस पर निशान लगाइए, उसके बाद आप इसको और ऐसे फोल्ड कर दीजिए सिंपल तरीके से। तो इस तरह से हमारी ये ड्रेस फिटिंग लगाने के बाद कंप्लीट हो जाएगी। और हम इस गाउन के फ्रंट वाले पार्ट में ये टसल वाले बटन बनाकर पूरे यहाँ पर हर थोड़ी दूरी पर लगा लेंगे। और ये जो बटन हैं इनको हम यहाँ गाउन के बीच में लगा देंगे। इस तरह से हमारी ये ट्यूलिप डिज़ाइन कुर्ती बनकर तैयार है। इस पर हमने टसल भी लगा लिए हैं और हमने इस पर बटन भी बनाकर लगाए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली नई वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।